मैक्स भाई, मैक्स भाई। हाँ यार शिनचैन, क्या हो गया? मैं सोच रहा था अगर आज रात को हम जाग ही रहे हैं तो फिर क्यों ना हम कोई खतरनाक सा गेम खेले, डरावना सा। क्या डरावना सा गेम खेलना है तेरे को? वैसी गाइस हमारे घर में भूत वगैरह आते रहते हैं, कभी भी मुंह उठा के चले आते हैं गाइस। अरे मदद मांगने तो आते हैं। अबे तो यार हमने कोई ठेका थोड़ी ले लिया उनका, उनकी मदद ही करते रहेंगे जो हम। खैर पता नहीं गाइस क्या है, कैसे सीन और उन्हें रह रहे हैं। तो एक तो वैसे ही डर लगता रहता है इस घर के अंदर आजकल रात में, ऊपर से तुझे और भूतों वाले गेम्स खेलने हैं। अरे तो क्या करें फिर, और कोई काम है आपके पास? नहीं यार और कोई काम तो नहीं है। एक मिनट यार, इस वक्त माइकल क्यों कॉल कर रहा है? अरे पूछो क्या बात है। हेलो माइकल। अरे यार मैक्स, मैंने सुना है कि तुम भूत वगैरह भगा देते हो। अरे ये किसने बोल दिया तुम्हें? मैं कोई तांत्रिक वगैरह नहीं हूँ, ठीक है ना? हाँ बल्कि तांत्रिक से भी बढ़ के है। ज्यादा मत बोल यार शिनचैन। अरे यार मैक्स देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे घर पे पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सी चीज दिख रही है मुझे बार बार, एक अजीब सी परछाई सी दिखती है। प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ, उसने तो इस वक्त हमें परेशान ही करके रख दिया एकदम। एक मिनट मैं समझ गया, तुम्हारे घर पे अभी है कौन कौन? अरे अभी तो कोई भी नहीं है, अमांडा जिमी और ट्रेसी को लेकर के वैसी घर से चली गई है। कैरी जी जब तक भूत नहीं भागेगा तब तक कोई भी घर पे वापस नहीं आएगा, और मैं अकेला यहाँ पर डर रखा हूँ इतना गंदा। खैर मैं समझ गया। और गाइस वैसे भी रात के 3 बज रहे अभी, ठीक है मैं आता हूँ तुम्हारे पास। गाइस यार बेचारा माइकल, अब गाइस माइकल हमारा दोस्त है तो उसकी तो मदद करनी पड़ेगी ही हमें। खैर गाइस जल्दी से अपनी कार निकालता हूँ। आजा शिनचैन बैठ जल्दी। अरे बैठता हूँ। आजा जल्दी से, और तू भी आजा चौप। खैर गाइस जल्दी से निकलते हैं अब यहाँ से। अरे पूरी स्पीड में निकलो। हाँ यार शिनचैन जल्दी ही जाना पड़ेगा वहाँ। यार माइकल की ऐसी तैसी हो रखी है, इससे पहले कि गाइस वो भूत माइकल को कोई नुकसान पहुँचाए हमें वहाँ पर पहुँचना ही पड़ेगा। अरे सोचो इतनी रात में निकल रखी है, हमें रास्ते में भूत दिख जाएगी तो अबे गंदा ही सीन हो जाएगा यार। ऐसे मत बोल शिनचैन, पता नहीं गाइस अभी क्या क्या ही देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। एक सेकंड, ये तो एक आदमी है। शिट, एक मिनट गाइस, मैंने इसे टक्कर मारी थी। अरे ये कैसे हो सकता है? वही तो यार शिनचैन देख, एक सेकंड गाइस ये भूत है यार। मैं भी यार पागलों की तरह उसके ऊपर ऐसे ऐसे गाड़ी चढ़ा रहा हूँ। अरे सोचो वो गाड़ी में बैठ जाता तो। बिल्कुल इस तरीके से क्या? एक सेकंड गाइस, गाड़ी में बैठ गया क्या? हाँ गाइस गाड़ी में बैठ चुका है। अबे भाई अब तुम कौन हो? कई सालों पहले यहाँ पर मुझे किसी ने ठोक दिया था, गाड़ी चढ़ा दी थी मुझ पे, इसलिए लॉस सैंटोस की जितनी भी गाड़ियां मुझे ठोकने की कोशिश करती है फिर मेरे पे चढ़ा के चली जाती है, मैं उनके अंदर बैठ जाता हूँ। खैर मैं अगर एक बात बता तो मेरे से तो पंगे वंगे लेने की सोचना भी मत, ठीक है ना? तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी और तुम सोचते रहता कि आखिर हुआ क्या है। अच्छा क्या कर लेगा तू? मैं क्या कर लूंगा, एक सेकंड आना बाहर आना जरा तुम। हाँ बोल बे क्या कर लेगा। अरे तुम जानते नहीं हो मैक्स भाई को भी। बेटा तुम मुझे नहीं जानते, मैं कितने खतरनाक तरीके का भूत हूँ, ठीक है ना? इसे नोच के खा जाऊंगा और ये सोच भी नहीं पाएगा कि हुआ क्या है। एक सेकंड नोच के बाद में खाना, पहले इधर आओ, तुम्हें मैं मुक्ति दे देता हूँ। गाइस दे दिया मैंने मुक्ति, अब तो गाइस घोस्ट राइडर बनना भी मेरे लिए 2 मिनट का काम हो गया है। देखो गाइस ये भूत को मतलब इसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी अब। अरे घोस्ट राइडर सॉरी। क्या सॉरी बोल रहे हो? हानि तो अब जाओ, मैंने तुम्हारा भला कर दिया फ्री में। और गाइस आप ये गाड़ी को देखो यार, कितनी खतरनाक लग रही है। अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ भाई साहब। खैर गाइस माइकल के घर पे पहुंचने ही वाले हैं हम। ये देखो गाइस एकदम ही खतरनाक तरीके से कार चल रही है। खैर मैं नॉर्मल हो जाता हूँ वरना माइकल मेरे को बोलेगा कि मेरे घर में आग लगा दी। अरे वो तो हमेशा ही करता है। हाँ गाइस अभी उसकी मदद भी हम गाइस घोस्ट राइडर ही बन के करने वाले हैं वैसे, पर खैर वो इस बात से अनजान है, थोड़ा जल्दी चलते हैं। और गाइस अभी मैं नॉर्मल हो गया हूँ फिलहाल के लिए। देखो गाइस ये रहा माइकल का घर, पता नहीं ऐसा क्या ही सीन देख लिया माइकल ने। गाइस हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, माइकल कहाँ पर है? और अरे देखना पड़ेगा उन्हें तो। हाँ रुक जा देखता हूँ, अंदर ही चलते हैं, काम करते हैं। अरे अंदर नहीं मैं बाहर ही हूँ। एक सेकंड, और बताओ मैक्स कैसे हो तुम? अरे मैं तो सही हूँ यार, पर ये बताओ मेरे को कि इस घर में कहाँ भूत देख लिया तुमने? अरे यार क्या ही बोलूं मैं तुम्हें, अंदर चलो जल्दी से दिखाता हूँ तुम्हें भी। हाँ चलो जल्दी से अंदर। खैर गाइस अंदर हम आ गए हैं, अब बताओ मेरे को माइकल की आखिर सीन क्या है? सीन में क्या ही बताऊं यार तुम्हें मैक्स, एक अजीब सी आत्मा सी है यार वो, कहीं पर भी दिखती रहती है कभी भी। एक मिनट, कहीं पर भी दिखती रहती है कभी भी, थोड़ा सा गाइस उसे चैलेंज करना पड़ेगा इसलिए। एक मिनट, ये लोग तो वापस आ गए घर। अरे मैं नहीं तो बुलाया, मैंने बोला मैक्स आ रहा है, टेंशन ना लो अब सब सही हो जाएगा। अरे यार अभी क्यों बुला लिया, पहले भूत को तो भगाने देते। गाइस अब मैं क्या ही बोलूं, खैर कोई बात नहीं, इनसे तो मतलब ही नहीं है हमें। खैर गाइस इधर की साइड तो कुछ भी नहीं दिख रहा, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। एक सेकंड गाइस, यहाँ पर क्या था ये अभी? और ये खून का छींटा क्या कर रहा है? अरे ये खून का छींटा कहाँ से आ गया यहाँ पर? मैं वही तो पूछ रहा हूँ यार तुमसे माइकल। खैर गाइस अंदर तो कुछ नहीं है ना? एक मिनट गाइस, नहीं गाइस अंदर तो खाली पड़ा है सब। एक सेकंड, यहाँ खाली कैसे हो गया सब? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? यहाँ कुछ भी खाली नहीं था। एक सेकंड, मतलब मजाक तो नहीं कर रहे ना तुम? कोई मजाक नहीं कर रहा यार, सच में कुछ खाली नहीं था, मेरी गाड़ी खड़ी थी अंदर अभी। गाड़ी? सच में तुम्हारी गाड़ी तो बाहर खड़ी थी ना?
अरे सॉरी, मतलब मेरी गाड़ी का सामान तो था पर अंदर। यार गाइस ये क्या क्या बोले जा रहा है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है मुझे। एक मिनट बाहर से जा करके देखता हूँ। एक सेकंड गाइस, गेट खुल रहा है और ये कौन खड़ा है? एक मिनट गाइस, गायब हो गया। अरे पीछे देखो। पीछे देखो क्या? एक मिनट, एक सेकंड गाइस, वो रहा। गाइस यार कुछ तो है गाइस, अब तो मेरे को भी यकीन हो गया गाइस माइकल के घर पे। कह रहा था ना मैं तुम्हें, इसलिए बुलाया मैंने। यार ये तो अजीब ही सीन है गाइस, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। फिर से खड़ा है वहाँ पर। एक सेकंड, अब रुक जाओ तो, अगर तुम अगर अब फिर से गायब हुए ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे तुच्छ इंसान, तुम्हारे जैसे 10 को तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ। एक मिनट, तुम मेरे को ये बताओ कि तुम माइकल के घर पे करने के आए हो आके? मैं यहाँ पर आया हूँ इसके पूरे परिवार को जान से मार के खाने के लिए। ये कैसी बातें कर रहा है ये? मैं कैसी बातें कर रहा हूँ? याद है कई सालों पहले मैं एक बैंक में नौकरी करता था, तभी तुमने उस बैंक में रॉबरी करी। अरे वाह, ये करता था नौकरी और माइकल ने करी रॉबरी। थोड़ी देर के लिए तो बंद कर लेगा अपनी ये पोएट्री। एक सेकंड गाइस, सब कुछ राइम हो गया। एक सेकंड, ये हुई ना बात, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। हाँ यार सुनचान, मजा ही आ गया एकदम। मैं यहाँ पर तुम्हारी कोई रैप बैटल सुनने नहीं बैठा, मेरी बातें सुनो, मैं जो कह रहा हूँ। खैर तुम्हारी बातें सुन ली, तुमने बिल्कुल ही दिमाग खराब कर दिया। मेरे को ये बताओ कि हुआ क्या तुम्हारे साथ? माइकल ने तुम्हें मारा इसलिए तुम्हें प्रॉब्लम है? माइकल ने मुझे नहीं मारा। तो किसने मारा है? तो मैं माइकल ने तुम्हें मारा नहीं, तो तुम माइकल को मारने क्यों आ गया? भाई तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने तो रॉबरी करते वक्त कभी भी किसी की जान नहीं ली जो बैंक में काम कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो पुलिस वालों को मारता हूँ। और उन पुलिस वालों ने ही मुझे मारा। पुलिस वालों ने कैसे मारा तुम्हें? इस माइकल ने उन पुलिस वालों को पैसे खिला दिए थे कि अपना मुंह बंद रखे। मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम करूं, मीडिया को जाकर के बता दूं कि इसने रॉबरी करी है, पर तभी उन पुलिस वालों ने मेरा पीछा करा और मुझे जान से मार दिया। एक सेकंड, अब मैं समझा क्या सीन हुआ गाइस। यहां पर तो गाइस माइकल के ऊपर ही ब्लेम आना चाहिए वैसे तो, पर रियल ब्लेम गाइस उन पुलिस वालों पे आना चाहिए। उन पुलिस वालों ने तुम्हें मारा है तो उनके परिवार वालों को मारो ना, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? नहीं मारूंगा तो तुम्हें ही। कह रहा ऐसी बात है क्या? एक काम करते, देखो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, पर एक शर्त पे, तुम माइकल को और उसके फैमिली को कुछ नहीं कहोगे। बदले में मैं उन पुलिस वालों की ऐसी तैसी कर दूंगा जिन्होंने तुम्हें मारा है, मैं उन्हें मार दूंगा जाके, और साथ ही में तुम्हारी फैमिली जो भी थी उस फैमिली को मैं पूरे के पूरे 10,000 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा, वो भी उन पुलिस वालों के थ्रू। ये हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है यार ये। तुम आखिर हो कौन, कैसे करोगे ये सब? अरे मैक्स भाई के ऊपर उंगली मत उठाओ, तुम जानते नहीं हो क्या क्या कर सकते हैं। ये क्या क्या कर सकता है? अच्छा ऐसी बात है क्या? आ जाओ तो फिर दो दो हाथ हो ही जाए। मेरे से लड़ोगे? ठीक है अभी बताता हूँ तुम्हें, ये खाओ। एक सेकंड गाइस, पूरी ऐसी तैसी कर दी इसने तो, इससे दूर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा गुस्सा दिलाओ मुझे और बढ़िया। अरे तुम बिटके रहे हो इससे। अरे यार तुम देखते जाओ माइकल, तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ी देर में। गाइस मार तो ये काफी जोर से रहा है। एक सेकंड गाइस, अब जाकर के लगा है ना मुंह पे। एक मिनट, तुम तो घोस्ट राइडर हो, जल्दी समझ गए तुम बहुत। अरे मुझे माफ कर देना सर, मैं जानता नहीं था कि आप है। अरे ठीक है ना, बस बस अब ज्यादा मतलब गिड़गिड़ाना मत मेरे आगे, रोना तो बिल्कुल भी मत। अरे नहीं रोऊंगा। क्यों नहीं रोगे? रोना चाहिए था तुम्हें। हाँ नहीं तो थोड़ा सा, पर खैर गाइस अब कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। अब मैं देखो, अब तुम्हें पता चल ही गया कि मैं घोस्ट राइडर हूँ, तो अब तो तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो ना। ठीक है आप जैसा सोचेंगे सही ही सोचेंगे मेरे लिए। हाँ ये हुई ना बात। चलो अब एक काम करते, सबसे पहले पुलिस वाले के पास चलते हैं। ले चलो मुझे। ले चलता हूँ। एक सेकंड, ये हम कहाँ पर आ गए? यही वो पुलिस वाले खड़े हैं आसपास। कहाँ खड़े हैं? मेरे को तो नहीं दिख रहे। खैर गाइस अगर आसपास ही है फिर तो दिख जाने चाहिए। इधर पे तो नहीं है, इधर पे भी नहीं है, उधर की साइड गाइस कोई खड़ा हुआ दिख रहा है अंदर की ओर। एक मिनट चल के देखते हैं जरा। अरे शिट 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 गाइस, तो भूल ही गया मैं घोस्ट राइडर बना हूं। पहले एक काम करता हूं, नॉर्मल हो जाता हूं। हां गाइस अब जाता हूं उनके सामने, तुम यही खड़े रहना सब। अरे ठीक है हम खड़े हैं। हां खैर जाता हूं। हेलो सर, इतनी रात में आप बाहर क्या कर रहे हैं? ये सवाल तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, इतनी रात में बाहर क्यों घूम रहे हो? डर वर नहीं लगता क्या? चोर वगैरह मार देंगे, मरे जाओगे फिर अपने घर वालों के पास। शांति से यहां से चुपचाप अपने घर निकल लो। खैर गाइस वैसे मेरे पास आपको बताने के लिए एक बात है, मुझे पता है आपने कई सालों पहले एक आदमी को मार दिया था जो बैंक में काम करता था। क्या बोला तुमने? एक सेकंड, लगता है इसे भी मारना ही पड़ेगा। हाँ मार दो इसे। ये ले एक और खाएगा। एक मिनट गाइस, मेरे को मार रहे हैं ये, अभी बताता हूँ इन्हें। ये लो। एक मिनट, ये क्या बन गया ये? अब तो इसे गोलियों से मारना पड़ेगा। ये तो घोस्ट राइडर है। जल्दी पहचान लिया तुमने मुझे, सबसे पहले तो इसी को मारता हूँ गाइस मैं, वहाँ जहानी तो बहुत गंदा मारा है गाइस। और ये गाइस अभी भी बाज नहीं आ रहा है, इसे भी बताता हूँ मैं। ये खा से पहले तो, और इधर आ तू। अरे अरे माफ कर दो मुझे। क्या माफ कर दूँ? तुमने ऐसी हरकत करी है, ये खाओ और तुम्हारी जितनी प्रॉपर्टी है अभी सारी की सारी बता दो कहाँ पर है। अरे बता
बताता हूँ मैंने बहुत उल्टे सीधे काम करे हैं, गुंडों के लिए काम किया है। सारे पैसों को मैंने डायमंड कैसीनो में छुपवा रखा है। तुम वहाँ जाकर के मेरा नाम लेकर के मेरे पैसे ले सकते हो, पर मुझे छोड़ दो प्लीज। यार छोड़ूंगा तो नहीं मैं तुम्हें, ये लो वहाँ जाओ और ये भी खाओ। यार गाइस छोड़ दिया मैंने सब कुछ, ये हुई ना बात, देखा मैंने कर दिया ना सब। अब जल्दी से बताओ तुम्हारी फैमिली कहाँ रहती है, सॉरी गिरा दिया मैंने तुम्हें। अरे कोई बात नहीं सर, मेरी फैमिली यही रहती है पास में। ठीक है अब उनके पास ले चलो। ले चलता हूँ, पहले गाइस मैं नॉर्मल हो जाता हूँ जरा। एक सेकंड, ये कहाँ ले आए तुम हमें? यहीं पर तो रहती है सर। एक सेकंड देखता हूँ मैं कहाँ पर रहती है, वो सामने रहती है क्या? हाँ वहीं पर, एक छोटी सी दुकान चलाती है मेरी वाइफ। अच्छा मैं समझ गया, एक सेकंड मैं गेट खटखटाता हूँ। अरे कोई है क्या घर के अंदर? अरे हाँ जी बोलिए। एक सेकंड ये कौन है अब? ये मेरी बेटी है। अरे तुम्हें यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है क्या पीछे? नहीं तो। एक सेकंड गाइस मैं समझ गया, मैं तुम्हें ये बताने आया था कि तुम्हारे जो डैड थे वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और उन्होंने तुम्हारे लिए डायमंड कैसीनो में बहुत सारे पैसे छोड़े थे। अरे ये बात अब क्यों बता रहे हो आप? क्योंकि अभी जाके नोटिस आया ना मेरे को कि सच में पैसे छोड़े थे, मतलब समझ जाओ ना यार, थोड़ा सा देर से काम हो जाता कई बार। अच्छा अच्छा। हाँ तो मैं बस यही बता रहा था कि वहाँ पर जाकर के बस तुम्हें ये बोलना है रॉकी पुलिस वाले के जितने भी पैसे हैं वो तुम्हारे हैं और वो लोग फिर वो सारे पैसे तुम्हें दे देंगे, अगर ना दे तो मेरे को बता देना। ये लो मेरा नंबर ले लो। ठीक है थैंक यू सर। वैसे कितने रुपए होंगे तकरीबन? है कुछ 10,000 करोड़ रुपए के ऊपर। क्या? हाँ हाँ सच कह रहा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात नहीं, एक बात बताओ तुमने कभी अपने डैड को देखा है? नहीं तो। ठीक है तो फिर अब देख लो, ये रहे तुम्हारे डैड। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे डैड दरअसल मर चुके थे, तुम्हें पता ही होगी ये बात। हाँ मुझे पता है। मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, पर लॉस सैंटोस की पुलिस वाले है ऐसे, उन्होंने मुझे जान से मार दिया। हाँ मैं क्या ही बोलूँ, खैर कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ अब तो तुम्हारी फैमिली एकदम क्योर्ड रहेगी, अब तो मैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक काम करते हैं मैं तुम्हें मुक्ति भी दे देता हूँ, अब देखना तुम डरना मत। नहीं डरूंगी, इससे ज्यादा कब क्या ही डर सकती हूँ मैं। हाँ खैर सही बात है, अब तुम्हारे डैड को मुक्ति देने का टाइम आ गया है। हाँ जाओ इधर। थैंक यू सो मच गोस्ट राइडर। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज बनता है। खैर गाइस हमने दे दी उसे मुक्ति। वैसे तुमने काफी अच्छे काम करते हो मैं। अरे थैंक यू यार माइकल। एक मिनट, मैंने तुम्हीं को क्यों उठा लिया? अरे नीचे उतारो, मुझे तारीफ कर रहा था यार मैं तुम्हारी। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट नीचे उतार देता हूँ। आराम मजा में उठा लिया अब। अरे गलती से उठा लिया यार तुम दोनों को। खैर थोड़ा सा कंट्रोल में रहो। अरे वो गलती से हो जाता है यार कभी कभार। खैर मैं नॉर्मली हो जाता हूँ। खैर चलो अब मैं चलता हूँ यहाँ से, तुम ध्यान रखना अपना और चल शिनचान अब हम भी चलते हैं। हाँ जल्दी से चलो। खैर पहुँचा दे शिनचान एक काम कर माइकल के घर पे। अरे ठीक है पहुँचा देता हूँ, पादम पदोड़ी पद्दू। खैर बहुत ही बढ़िया शिनचान। अरे सच में मैक्स तुमने तो कमाल ही कर दिया। अरे वो तो हम करते ही रहते हैं। हाँ यार शिनचान बिल्कुल सही बोला। तो खैर गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में लिख देना मैक्स ओपी। तो चल यार शिनचान अब तेरे को कुछ बोलना है लोगों से। गाइस आज मैं एम करूंगा 30,000 लाइक्स का, मुझे पता है मैं हमेशा की तरह ऐसे ही पूरा करवा दूंगी, तो प्लीज इसे भी जल्दी पूरा करवा देना। और हाँ अगर आपको मेरे से बात करनी है तो मेरे डिस्कस सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर इन दोनों पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तो गाइस फिर हम फिर से मिलेंगे आपसे किसी ऐसी खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।